जोड़े खड़े रहे शिवराज। पीएम मोदी ने कर दी बेइज्जती, क्या दोनों के बीच सब कुछ ठीक नहीं है? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। तभी तो भरे मंच पर पीएम ने सबको प्रणाम किया, हाथ जोड़कर अभिवादन किया, लेकिन सामने खड़े शिवराज सिंह चौहान को देखकर भी अनदेखा कर दिया। मध्य प्रदेश की जनता के बीच मामा के नाम से मशहूर शिवराज हाथ जोड़े खड़े रहे, लेकिन पीएम नजरअंदाज करके पीछे मुड़कर चलते बने। दोनों नेताओं के बीच घटी ये घटना जानबूझकर हुई या फिर जाने अनजाने, इसे लेकर सोशल मीडिया पर तरह तरह की बातें की जा रही है। दरअसल पीएम मोदी रविवार को मध्य प्रदेश के झाबुआ में थे। पीएम मोदी ने इस दौरान एक विशाल रैली को संबोधित किया। संबोधन के बाद जब बारी आई मंच पर खड़े दिग्गजों का अभिवादन करने की, तो कुछ ऐसा हुआ जिसने एक बार फिर से ये चर्चा तेज कर दी कि ऑल इज नॉट वेल बिटवीन पीएम मोदी एंड शिवराज। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल पीएम मोदी जब सबसे मिल रहे थे तो हर कोई हाथ जोड़कर उनसे मिल रहा था। इसी कड़ी में शिवराज भी मौजूद थे। पीएम ने इस दौरान कई दिग्गजों से बात की, लेकिन शिवराज को नजरअंदाज करके मुड़ गए। दोनों के बीच कोई संवाद नहीं हुआ। वैसे जिसने भी इस वीडियो को देखा उसे ज्यादा हैरानी नहीं हुई, क्योंकि दोनों के बीच तलखी की खबरें बहुत पहले से आ रही हैं, खासकर तब से जब से शिवराज को सीएम पद से हटाकर मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाया गया। इसीलिए बार बार पीएम के इस वीडियो के कई मायने निकाले जा रहे हैं, लेकिन 35 सेकंड के इस वीडियो से जज कर लेना कि दोनों के बीच सब कुछ ठीक नहीं है गलत होगा। 35 सेकंड के इस वीडियो से थोड़ा और पहले का वीडियो देखिए। इसमें दोनों नेता एक दूसरे के सामने खड़े हुए नजर आ रहे हैं, हाथ भी जोड़े हुए हैं, लेकिन हाँ इस वीडियो में भी संवाद नहीं हुआ। इसे ही देखकर लोग कह रहे हैं कि पूर्व सीएम से पीएम को कुछ तो बात जरूर करनी चाहिए थी। वैसे आपको बता दें, शिवराज सिंह चौहान सीएम ना बनाए जाने से नाराज हैं, ये खबर कई बार साबित हो चुकी है। खुद उनकी बातों से कई बार इस बात का एहसास हुआ। कुछ वक्त पहले उन्होंने बयान दिया था जिसमें कहा था, फॉर्मर सीएम जरूर हूँ लेकिन अपन रिजेक्टेड नहीं है। फॉर्मर चीफ मिनिस्टर लेकिन अपन रिजेक्टेड नहीं है। कई बार आदमी कब छोड़ते हैं, जब जनता नकार दे, लोग गाली देने लगे, बहुत दिन हो गया यही बैठा हुआ है। अपन छोड़ के भी आए तो ऐसे आए कि जहां जाते हैं लोग कहते हैं मामा 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 मामा। जनता का स्नेह और प्यार ये अपनी असली दौलत है, लेकिन छोड़ दिया। इसका मतलब ये नहीं कि राजनीति नहीं करूंगा, अभी भी करूंगा, किसी पद के लिए नहीं। राजनीति केवल पदों के लिए नहीं होती, राजनीति बड़े लक्ष्य के लिए, और उसी का आह्वान आपसे करने आया हूं। बहरहाल झाबुआ पहुंचे पीएम मोदी ने भरे मंच से कैसे विरोधियों पर निशाना साधा, उनके बयान के साथ आपको छोड़े जा रहे हैं। बाकी आप इस खबर को किस तरह से देखते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। कांग्रेस ने इतने साल उनको काम करने का अवसर मिला था, सिर्फ 100 एकलव्य स्कूल खोले थे, वो भी वहां जहां उनके बड़े बड़े बाबू बैठे थे। जबकि भाजपा की सरकार ने अपने 10 साल में ही इससे 4 गुना ज्यादा एकलव्य स्कूल खोल दिए। एक भी आदिवासी बच्चा शिक्षा के अभाव में पीछे रह जाए, ये मोदी को मंजूर नहीं है। साथियों, हमारा आदिवासी समाज हजारों वर्षों से वन संपदा से अपनी रोजी रोटी चलाता है। कांग्रेस के समय आदिवासियों के उस अधिकार पर कानूनी पहरे लगा दिए गए थे। वन संपदा कानून में बदलाव करके
हमारी सरकार द्वारा आदिवासी समाज को वन भूमि से जुड़े अधिकार लौटाए गए हैं। इतने वर्षों से आदिवासी परिवारों में सिकल सेल एनीमिया हर वर्ष सैकड़ों लोगों की जान ले रही थी। केंद्र और राज्यों में दोनों जगह कांग्रेस ने इतने वर्ष सरकार चलाई, लेकिन उन्होंने असमय मृत्यु को प्राप्त होते जनजातीय युवाओं की बच्चों की चिंता नहीं की।